हेलो एंड वेलकम टू अजीब सा। दोस्तों, इस साल की ये पहली बार ये वीडियो है और आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि ये कहाँ पे खड़ा हूँ मैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये टाइल शॉप है, टाइल स्टूडियो नाम है इस शॉप का। इसके बारे में हम सारी डिटेल में बात करने वाले हैं और ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि अगर आप अपने घर में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करवा रहे हैं, टाइलिंग लगवानी है, चाहे वॉल पर लगवानी हो या फिर फ्लोरिंग पे, तो हर तरह की टाइल्स आपको मिल सकती हैं। और सारी डिटेल रहेंगी इसमें, शॉप की डिटेल्स भी रहेंगी कि अगर आप वेस्ट दिल्ली में हैं, खासकर उत्तम नगर, जनकपुरी, विकासपुरी साइड में हैं, तो आपको टाइल कहाँ से लेनी चाहिए और टाइलिंग की क्या प्राइसिंग है, किस तरह की टाइल्स आपको लगवानी चाहिए अपने घरों में, ये सारी डिटेल्स वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो फटाफट इंट्रो शुरू हो, उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं राहुल भाई। राहुल भाई, क्या हाल है आपके? बढ़िया। तो आज हम आपसे कुछ चीज़ें पूछेंगे अपने व्यूअर्स के लिए कि जो भी अपने घर में जैसे टाइल लगवाना चाहते हैं, कोई फ्लोर पे, वॉशरूम की दीवारों पे, बेडरूम में, कहीं पे भी, तो हमारे पास कौन कौन सी टाइल्स अवेलेबल हैं, क्या प्राइस रहने वाला है, ये सब चीज़ें आज हम आप बताएंगे। तो भैया, सबसे पहले आप ये बताओ कि हमारे पास जो रेंज रहने वाली है वो कितने से स्टार्ट हो जाती है? अपने पास सर वॉल टाइल मिनिमम रेट 190 से स्टार्टिंग है। 190 से स्टार्ट है, मतलब बॉक्स का रेट बता रहे हो? इसमें 9 फुट निकलता है, साइज होता है 12-18 और पीस की क्वांटिटी होती है 6 पीसेस। 6 पीसेस की 9 स्क्वायर फीट आपके कवर करते हैं। ओके, ठीक है। और अपना जैसे बॉल है, ये आपका बड़ा साइज है, ये 12-24 है, ठीक है। इसका रेट आपको 350 रुपए का बॉक्स पड़ेगा। अच्छा, तो इसमें क्या ये दो टाइल हैं? ये पैटर्न है, पूरा पैटर्न डिपेंड करता है। आप पैटर्न लो, आप सिंगल टाइल आपको पसंद आ रही तो सिंगल भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है आपने अगर पूरा पैटर्न देखा तो पूरा पैटर्न ही लो, जबरदस्ती नहीं है। आपको अगर सिंगल पसंद है तो सिंगल ले सकते हो, आपको हाईलाइटर पसंद है तो हाईलाइटर ले सकते हो। ओके, तो इसका रेट 350 रुपए का बॉक्स है। इसके अंदर आपका 10 फुट मॉल निकलेगा और 5 पीस की कवर करेगा, 5 पीसेस की क्वांटिटी। अच्छा, ओके, मतलब एक बॉक्स में आपको यहाँ पे 5 टाइलें मिल जाएंगी जो कि एरिया कवर करेगा 10 स्क्वायर फीट का एरिया जो है वो कवर करता है। ओके, अब हम अगली टाइल कौन सी देखने वाले हैं? अच्छा, बेसिकली मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूँ, इस तरह की टाइल को हम ज्यादातर कहाँ पे यूज करते हैं? ये बेसिक पैटर्न तो कोई नहीं हो सकता, जहाँ आपको एरिया पसंद आ रहा है, जैसे बाथरूम वॉशरूम का पसंद आ रहा है वॉशरूम यूज कर सकते हो, किचन में पसंद कर सकते हो, आप स्टेयर पे पसंद कर सकते हो। इन टाइलों को बोलते क्या है, किस मिट्टी का होता है? डिजिटल वॉल टाइल्स होती है, सेरामिक होता है, सेरामिक होता है। डिजिटल वॉल टाइल्स होती है। इसकी लाइफ आपके मिनिमम 15 इयर्स, मिनिमम 15 इयर्स तो आपको चल जाएगा, चल जाता है। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन और इसमें, जैसा अभी मैंने देखा इसमें ये टेक्सचर टाइप में है, तो लोग बोलते हैं इसमें ना बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है डस्ट वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। आप हल्का सा कपड़ा लगाओ 6 महीने, क्योंकि सेरेमिक है तो कपड़े से चला जाएगा, कपड़े से चला जाएगा, हल्का सा पानी वॉश कर दो तो चला जाएगा, इजीली क्लीन हो जाता है, ये इजीली क्लीन हो जाएगा। हार्डली वर्क नहीं है कि आपने स्मूथ वर्क किया, बिल्कुल आराम से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सी दिखाओगे? नेक्स्ट ये अपना 12-24 है, इससे छोटा साइज आता है 12-18। अच्छा, ये है 12, ये 12-24 है, 12-24 जैसे ये लगा हुआ है, ये फ्लोरिंग टाइल है आपका। ओके, ये आपका रूफ के लिए यूज कर सकते हो आप, ये रूफ टाइल है आपका, वॉशरूम की टाइल भी यूज कर सकते हो आप। तो इसके अंदर 9 स्क्वायर फीट निकलता है, 5 पीसेस की पैकिंग होती है और इसकी थिकनेस होती है वो 12 mm की थिकनेस होती है, 12 mm की थिकनेस होती है। ड्यूरेबिलिटी इसकी काफी अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी इसका 20 ईयर समथिंग कुछ नहीं होना। अच्छा, और इसके कलर्स का भी कोई इफेक्ट तो नहीं आता है? और इसका एसिड प्रूफ भी है ये। अच्छा, एसिड भी अगर इसके ऊपर गिर जाता है तो कोई असर नहीं होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आती। ओके, और ये मैट में है, टेम्परेचर सबसे ज्यादा टेम्परेचर टॉलरेट कर लेता है, आप इसे रूफ पे लगवाओ टेम्परेचर टॉलरेट करेगा, जैसे कि कुछ पंखा चलते हैं लगा रखी आपने तो गर्मी हीट करेगा, हीट नहीं करता, ये हीट नहीं करता, टेम्परेचर टॉलरेट करता है। ओके, तो इसका क्या प्राइस बताया आपने? इसका ये पड़ेगा 9 स्क्वायर फीट 350 का बॉक्स, 350 का एक बॉक्स पड़ेगा और उसमें 9 स्क्वायर फीट का स्पेस आपको एरिया कवर करेगा। ओके, ठीक है, सबकी 12 mm में और इसके ड्यूरेबिलिटी 20 ईयर, ठीक है। ये बेसिकली ये फ्लोरिंग के लिए है वाला, तो फ्लोरिंग है आपकी छत के लिए, पार्किंग के लिए और बाथरूम के लिए, तीनों okay. सेम के लिए तीनों जगह लगा सकते हो आप। अब नेक्स्ट पैटर्न काफी है इसके, ये सर अपना 12-18 आ गया, ये है 12-18, ये इसे बोलते हैं 12-18। ओके, 18 इंच इसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जैसे अभी मैंने खड़ा लेटा दोनों तरफ से लगा, ये चीज खड़ा लगा रखी है, ये लेट लेटा करके। अच्छा, मतलब ये देखिए, ये जो है ना, ये एक ही टाइल है, ये पूरा एक पीस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, और ये 12-18 साइज है इसका, 12-18 ऐसे और 18 इंची ऐसे। हाँ, क्या हम एक टाइल निकाल के थोड़ा दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं आपको 12-18 करके ना, कोई दूसरा पीस निकाल दो। तो ये एक साइज है, जैसे अगर आपको समझाने के लिए हमने अभी ये निकलवाया है,
तो इस तरह की टाइल है, आप ये देख सकते हो 12-18 साइज है इसका। ये साइज और ये जो पीछे जो ग्रेइश लगाया था सेम साइज में, तो अलग अलग कलर्स में और पैटर्न्स में आपको ये मिल जाता है। 350 रुपए रेट बताया आपने इसका, रेट कम है इसका। अच्छा, रेट आपको 25 पर स्क्वायर फीट है, 225 रुपए का बॉक्स, 225 रुपए का बॉक्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है भाई। मैं ये बोलूंगा कि भाई प्राइस काफी ठीक है, बाकी आप खुद इस, मतलब इसको कंपेयर कर सकते हो। रेट अगर आपको कम चाहिए तो रेट कम भी मिल जाएगा, लेकिन ये आपको रीजनेबल चीज है, 25 पर स्क्वायर फीट आएगा और ये आपको 225 का बॉक्स पड़ेगा। 9 फुट निकलता है पूरा स्पेस, 9 फुट कवर करेगा और 6 पीस की क्वांटिटी होगी। ओके, ये भी डिजिटल वॉल टाइल्स है, ये भी डिजिटल वॉल है। ओके, ये अपना ड्राइंग रूम का एरिया आ गया, ड्राइंग रूम में लगा सकते हो आप इसको। ये 12x24 का साइज है। ओके, और 10 फुट मिलेगा, 12x24 10 फुट 5 पीस की कटिंग आएगी इसके अंदर। तो इसे कॉम्बिनेशन में भी ऐसा लगवा सकते हैं, कॉम्बिनेशन पैटर्न। अगर आपको पूरी वॉल कंप्लीट करनी है, जैसे कि आप अंदर ड्राइंग रूम के अंदर एक वॉल लगाना पूरा, तो सिंगल पैटर्न आप पूरा ग्रीन कलर का ही लगा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि हर इंसान का अपना टेस्ट होता है, अपना मूड होता है, कैसा लगा अपने अकॉर्डिंग कैसे भी क्रिएट कर सकते हो आप। ये हमने लगाया है, आप पूरा डार्क ले लो पूरा, ये भी अच्छा लगेगा। आपको व्हाइट चाहिए पार्किंग के लिए तो व्हाइट लगा सकते हो आप, इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग डिजाइन को। सर ये हमने पूरा क्रिएट किया हो बाथरूम के पर्पज से। ओके, तो ये आपका हाइलाइटर है, ये लाइट है, ये डार्क है। अच्छा, तो ये बाथरूम के पर्पज से क्रिएट किया हुआ है। आप एक वॉल ये कर सकते हो, टावर वाली वॉल, टैप वाली वॉल हाईलाइट, और वन वॉल पर जैसे पैटर्न दिया है 1x1 करके, थ्री वॉल ये कंप्लीट, वन वॉल ये कंप्लीट। तो काफी अच्छा इंटीरियर आप एक तरह से अपने बाथरूम को भी दे सकते हो। हाँ, बहुत अच्छे लुक पर्पस होता है कस्टमर को, जैसे कि टाइल लेके गया है। हाँ, चीप टाइल को एक्सपेंसिव करना, ये हमारा मकसद हो जाए। कस्टमर को चाहिए कि हाँ उनका लो बजट है, उन्होंने हमने 200 रुपए का बॉक्स परचेज करना है, तो हमारा मोटिव ये होता है कि वही चीज 300 रुपए की लगे। हमें ये क्रिएट करना है कि भाई ये किस तरीके से क्रिएट करना है, अपना हाईलाइटर एक वॉल पर लगाना है, लाइटर एक वॉल पर लगाना है। मतलब हमारे जैसे आप कस्टमर का बजट है कि 200 रुपए बॉक्स चाहिए उसको, तो हमें वो क्रिएट उस तरीके से करते हैं जैसे एक्सपेंसिव लगने लगे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कस्टमर को सेटिस्फाइड कैसे करना है, कस्टमर हमसे ज्यादा सेटिस्फाइड हो ही जाता है। अच्छा राहुल भाई, मैं बीच में एक चीज अभी टोकूंगा आपको और पूछना चाहता हूँ एक चीज कि जैसे मार्केट में जैसा होता है ना कि एक नेम होता है, ब्रांड नेम होता है कि भाई कजारिया है या अलग अलग ब्रांड जो है, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है, कितना क्या किन किन चीजों का फर्क है? सर बिटवीन प्राइस तो खैर है ही, बिटवीन डिफरेंस नथिंग स्पेशल, बस रेट रेट का ही फर्क आता है, कुछ नहीं आता, क्वालिटी 90-20 का फर्क आता है बस। अच्छा, वो ठीक है। तो मतलब हम ऐसा नहीं है कि अगर हम नॉन ब्रांडिंग पे भी जा रहे हैं, मतलब लाइक उनकी तरह उतना ब्रांड नहीं है ये। टाइमिंग सर ब्रांडिंग की और प्लस ये लोकल वाले की, मेड इन गुजराती होता है। आप कजारिया परचेज करोगे, सवारी परचेज करोगे, वो भी मैन्युफैक्चरिंग आपकी गुजरात में होती है, मोरबी के अंदर, ये भी मोरबी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है। बस ये फर्क ये है कि हाँ ब्रांडिंग है तो उसके चार्जेस ज्यादा लगते हैं हमें। सही बात, बाकी रेट एक ही होता है। तो लगभग अगर आप जैसे टाइल देखें तो 19-20 का फर्क रहता है, जैसे फर्क आता है बस ब्रांडिंग का, उसकी रेट अलग हो जाती है, और बाकी तो जैसा लगाओगे उस तरह से ही मिलता है। और बाथरूम पर्पस से सिर्फ यही नहीं है, लाइक इसमें आपको अलग अलग डिजाइन टेक्सचर्स मिल जाएंगे, आप ये भी देख सकते हो, ये भी लगा सकते हो अपने हिसाब से। ये देखो पैटर्न, ये पूरा पैटर्न यहाँ पर बनाया हुआ है। कस्टमर को हम भी दिखा रहे थे, ये सारे हमारे सैंपल्स लगे हुए हैं, सारे सैंपल लगे, ये सारे सैंपल्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो ये हम डिस्प्ले के ऊपर लगा के दिखाते हैं, प्लेन अच्छा लगेगा कि कोई प्लेन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जैसे आओगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई लिमिटेड स्टॉक मिलेगा, यहाँ पे अनलिमिटेड स्टॉक। आप खुद एक बार आप नजर मारो, देखो अभी तो बहुत कुछ है, मुझे नहीं लगता कि मुझे सब कुछ एक ही पार्ट में दिखाना चाहिए, ये अलग अलग पार्ट में दिखाएंगे हम, क्योंकि ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। एक ये पैटर्न है आपका, ये भी ऐसे जहाँ आपको पसंद आ रहा हो वहाँ लगा सकते हो, आप चिमनी के नीचे लगा सकते हो दो पीस, ठीक है, किचन के मतलब किचन के पर्पज से डिजाइन है ये, आप दो पीस वहाँ डाल सकते हो, आसपास पूरा व्हाइट लगा डाल सकते हो। ओके, तो अगर मैं एक चीज इसमें बीच में एक चीज और ऐड कर दूँ, अगर आप खुद नहीं कर सकते, इंटीरियर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो भाई इसके लिए ना राहुल भाई भी आपको सजेस्ट कर देंगे, और अमित भैया भी, अमित भैया से भी आपको भी मिलवाऊंगा, तो वो भी आपको बता देंगे, वो खुद भी सजेस्ट कर देंगे कि आपको कौन से टाइल लगवाना चाहिए। तो उसके लिए बेफिक्र रहो, अगर आपको नहीं आइडिया आ रहा है कि आपको कैसा लगवाना है तो ज्यादातर ग्राहक हमारे परचेज करते हैं, जैसे हम बिल्कुल। और मैं ये बता दूं कि अभी मेरे घर में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जिसके वीडियो नहीं डाल पा रहा, लेकिन आपको बता दूं कि जो मेरे घर में कुछ जो टाइल लग लगी है भैया की शॉप से ही लगी है, इसीलिए वीडियो भी बना रहा हूं, क्योंकि मुझे पहले मैंने खुद इसको चेक किया भाई, हाँ अच्छी क्वालिटी में लगा और सबको पसंद आ रहा है, घर में सबको पसंद है, पड़ोसियों को भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमने सोचा कि चलो अब आप लोगों को भी हम शॉप में
दिखाएं और किस तरह का माल मिलता है। फीडबैक के लिए करते हैं, हमारा काम बैंक में था कि हमारा फीडबैक अच्छा है। हाँ, ये मकसद होता है कि हमारा पहले माल तो परचेज हो ही हो, सही है, लेकिन फीडबैक हमारे कंपलसरी होता है हमारे लिए कि फीडबैक, हमें फीडबैक मिलना चाहिए बस। ठीक है, चलिए अब हम अगले पैटर्न की तरफ पहुंचे और अगली टाइल कौन सी रहने वाली है आपका? ये भी वॉशरूम पैटर्न है। अच्छा, ये वॉशरूम पैटर्न है, पूरा ऑल ओवर रैंडम है, ये कनेक्टेड मतलब डिसकनेक्टेड है, आप कैसे भी करके उल्टा सीधा करके डाल सकते हो, अच्छा लगेगा ये लगने के। ओके, हाँ, ये थोड़ा सा मार्बल टाइप में मार्बल टेक्सचर है, हाँ, तो लुक काफी अच्छी है। ऑल ओवर वॉल आप लगा सकते हो, नहीं तो वन वॉल ये करा, थ्री वॉल अपने व्हाइट किया तो ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो आप। और ये थोड़ा ये मैट में है पीछे, ये मैट ड्रेस है, ये पूरा पैटर्न दिया है, लाइट डार्क हाईलाइटर कॉम्बिनेशन पूरा दिया है, इसमें स्टिक भी ला के दी है, ये अलग से आती है। अच्छा, ये अलग से आती है, इनका क्या प्राइस होता है? ये 20 का एक वन पीस होता है, मतलब पर पीस 20 का पड़ेगा। और ये कितने कितने फुट का होता है? ये भी सेरामिक आइटम है, ये 2 फुट का होता है, 2 फुट का होता है, यानी कि 10 फुट होगा। ठीक है, और ये पूरा ये क्रोम फिनिश में आपको मिल जाएगा, प्लस आपको गोल्डन में भी मिल जाता है, क्योंकि मैंने पीछे देखा 2 कलर और मिलेंगे, एक कॉपर मिलेगा और एक गोल्डन मिलेगा, ये सिल्वर है। अच्छा, तो यहाँ पे आप इसको एक अलग लुक भी थोड़ा सा दे सकते हैं बीच में, क्या बोलते हैं इसको? ये साइज 12-24 का है अपना, 10 फुट नहीं नहीं, जैसे हमने ये जो ये पेंसिल होती है, पेंसिल बोलते हैं इसको, गेटअप देने के लिए पेंसिल भी यूज कर सकते हो आप। ओके, चलिए, अब हम फेड नहीं होती, पानी वगैरह का आप यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी तरीके से वॉश कर सकते हो, कोई फेड नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम फ्लोरिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये अपने फ्लोर टाइल्स 2x2 की, इसके अंदर 4 पीसेस की क्वांटिटी होती है, 16 4 पीस की क्वांटिटी होती है और 16 स्क्वायर फीट। एक बार दोबारा बोलो करता है, कितना क्या क्वांटिटी क्या है? 4 पीसेस की क्वांटिटी होती है और 16 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है, 16 फीट एरिया कवर करता है, क्योंकि 2x2 का एक आपको यहाँ पर देखिए। वाह यार, क्या बात है, आपने सीधा पटक दिया, टूटा भी नहीं, नॉर्मल तरीके से रखा हुआ है। आप ये देखो, ये 3D पैटर्न है, ये भी आप कहीं भी यूज कर सकते। तो भाई देखो, इतनी जोर जोर से भैया इसको पटक रहे हैं, लेकिन ये टूट नहीं रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और ये तरीका है, पर हाँ मैं आपको बोलूंगा आप मत करना अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो क्यों भैया, नहीं तो हमसे टूट ही जाएगा। तो ये सब फ्लोरिंग है, आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग टेक्सचर में आपको ये मिल रहा है, बहुत अच्छा डिजाइन है इसमें। अच्छा, ये भैया मैट में है, ये मैट फिनिशिंग है, ये सब मैट फिनिश में है ये वाले। ओके, और ये 3D, ये इसके अंदर भी मैट फिनिशिंग है सारी, ग्लॉस पैटर्न आपको और दिखाएंगे, और ये मैट लगा रखे हैं उन्होंने। ठीक है, हाँ, एक बार दिखा दो, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देखेंगे इसको, वेरी नाइस। तो भाई बहुत सारे, इतने सारे पैटर्न्स हैं कि आपको, हाँ, ये वुडन पैटर्न है, ये भी मेरे घर में लगा हुआ है, पहले मैंने लगवाया था ऐसा। तो इतनी सारी वैरायटीज हैं कि आपको पसंद तो आएगा ही आएगा, बाकी आपकी फैमिली के ऊपर और आपके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा पसंद आता है। ये इस तरीके का मार्बल टेक्सचर भी अपने पास काफी, वेरी नाइस। भैया थोड़े दिन पहले मैं आया था, आपने मेरे को दिखाया नहीं था वरना मैं यही ले जाता। ये मार्बल पैटर्न है, सब मार्बल से पाइप सब मार्बल बोलते हैं, मेजरमेंट की सेम होता है, मेजरमेंट सबका सेम होता है, मेजरमेंट सारे डिजाइन पैटर्न अलग है, पसंद करो मेजरमेंट सेम होता है, 4 पीसेस की क्वांटिटी। इसका कितना कितने का बॉक्स होगा? इसका बॉक्स होगा 520 का बॉक्स, 520 का बॉक्स होगा। अच्छा, मैं ना आपको, आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको भैया कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर मेरा नंबर भी होगा। तो आपको अगर कोई टाइल पसंद आती है सपोज, और आप भी वो चाहते हो लेना, तो आप क्या करो, आप स्क्रीनशॉट लो वीडियो रोक करके, उसको हमें भेजो, और जैसे भैया को भैया भेजते हो तो भैया से आप उसका डायरेक्ट आप प्राइस पूछ सकते हो। ठीक है भैया, ठीक है। अच्छा, और तो और कौन सा मिलेगा? शायद अब बड़ा साइज लोगे 2x4 का साइज आता है। ओके, 2x4 साइज ही लगा हुआ है, 2x4 लगा हुआ है, इसके अंदर 2 पीस की क्वांटिटी होती है, ये 2x4 का साइज है, 2 पीस की क्वांटिटी होगी, स्क्वायर फीट 16 स्क्वायर फीट कवर करेगा। ओके, इसके अंदर 2x2 के अंदर 4 पीसेस निकलते हैं, इसके अंदर 2 पीसेस निकलते हैं। ओके, तो एक बात पूछना चाहूंगा, इसको हम वॉल पे भी लगा सकते हैं? ये वॉल वॉशरूम के लिए यूज कर सकते हो, वॉल आप फ्रंट एलिवेशन के लिए यूज कर सकते हो आप। ओके, तो काफी बड़ा है, मतलब कि 4x2 ये, ओके, ये 4x2 है, तो मतलब इसमें दो ही पत्थर निकलते हैं इसमें, हाँ, पीस दो निकलते हैं, तो वो भी 16 फुट एरिया कवर, ये 8 फुट का एरिया है ना, हाँ, 2x4 का 8 फुट का, अगर आप दो पीस लेंगे तो 16 फुट, तो 16 फुट मतलब एक बॉक्स में, इसमें भी आपको 16 फुट मिल जाएगा। ये देखो, ये एक दूसरा कलर है, और कितना प्यारा इसमें पैटर्न आप देख रहे हो, तो बहुत ही, मतलब ये आपके पास चॉइसेस की ना यहाँ पे कमी नहीं होगी, चॉइस आप जैसे लेके आएंगे ना कहीं आपको वो चीज मिल ही जाएगी। और यहाँ पर बहुत सारा माल है भैया के गोडाउन में, भी बहुत सारा माल है, अलग अलग पैटर्न्स हैं यहाँ पे, तो कभी अगर मौका मिला तो हम भैया के पास वहाँ पे भी चलेंगे, आपके गोडाउन में भी विजिट करेंगे, और हम अपने व्यूअर्स को सब कुछ दिखाएंगे। बाकी मैं यहाँ पे और भी चीज़ें देख रहा हूँ, खैर हम इनके ऊपर शिव जी की जो टाइल्स हैं तो इनके ऊपर अभी बाद में आते हैं, पहले हम थोड़ा और देखते हैं, भैया कुछ टाइल्स और दिखा रहे हैं हमें।
तो और भी नए नए शेड्स अभी आप भैया यहाँ पे हमें दिखाएंगे। राहुल भाई और दिखाओ, दिखा रहा हूँ, ये 2x4 का है, डार्क कलर शेड है, ठीक है, अपने काफी पैटर्न है, तो मैं आपको सारे तो नहीं दिखा सकता लेकिन कुछ स्पेशल तो दिखा सकता हूँ, जैसे कि ये सबसे हमारा स्पेशल जो कि हमेशा ज्यादा डिमांड में रहते हैं, सेल आउट होता है सबसे ज्यादा, ये वाला सबसे ज्यादा ब्लू कलर हो गया, ओके, इसके बाद दूसरा डार्क ब्लू हो गया, ये जेब्रा ब्लू पैटर्न बोलते हैं इसको, तो ये तो वैसे पूरी पूरी वॉल पे अगर हम लगवाते हैं, वॉल फ्लोर दोनों पर यूज कर सकते हो आप इसको। तो भाई देखिए, एक तो टाइल अगर हम आप एक बार अपने घर में लगवा लेते हैं ना, तो काफी लंबे टाइम तक, 20 ईयर तक समथिंग है, 20 ईयर तक होती होती है, बिल्कुल, थोड़ा सा हमें केयर करने की जरूरत है बस, इसके ऊपर कुछ ऐसी कोई चीज ना गिराए, जैसे एसिड प्रूफ होता है, फायरलेस होता है, एसिड प्रूफ होता है, ओके। तो देखिए आप खुद एक बार मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगा कि आप पैटर्न देखो, कलर्स देखो, और ये अभी आप यकीन मानो कि अभी हमने कुछ ही सैंपल्स निकाले हैं सिर्फ वीडियोस के लिए, क्योंकि अंदर वो भी बहुत सारा हर अलग अलग पैटर्न यहाँ पे अभी फुल है, अभी एक ही वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं। अगर आप बोलते हो कि हाँ भाई हमें आपको और भी देखनी है, तो हम फिर एक नई वीडियो एक और बनाएंगे जिसमें इन टाइलों से हटके दूसरी टाइल्स अभी आप जो कलेक्शन हैं ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, तो आपके कलर पैटर्न देख सकते हो बहुत सारा है, ये तो मैंने ही भैया को मना कर दिया, देखो आप ये जितनी सारी देख रहे हो ना, इन सब में अलग अलग पैटर्न भी हैं, अंदर भी हैं बहुत सारी हैं, तो अभी अभी एक ही वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं है भाई। बाकी हम चलते हैं, आप थोड़ा आते हैं हम शिव जी के ऊपर, तो इनको क्या बोलते हैं, ये कौन सी टाइल्स होती हैं? ये डिजिटली वॉल टाइल्स होती हैं, आप अपने कस्टमर अपने अकॉर्डिंग जैसे ऑर्डर देना है उनको, कुछ ऑर्डर दे सकते हैं, फैमिली पिक्चर बना सकते हैं। अच्छा, फैमिली पिक्चर ही बन जाती है, हाँ। से आप जो निकालो वो सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं उसको, ओके, हाँ। मतलब हम अपनी अगर खुद की अपनी पर्सनल फोटोज भी देते हैं वो भी बन जाएगी, बनवा सकते हो आप। और साइज क्या रहेगा उसका? साइज अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो जाएगा, अच्छा साइज बन जाएंगे। तो लगभग क्या इसका क्या प्राइस रहने वाला है? ये आपको कम से कम 225 पर स्क्वायर फीट पड़ेगा, 225 पर स्क्वायर फीट, जैसे कि ये मेरा 4x6 का एरिया है, तो 4x6 × 24 स्क्वायर फीट हो गया, 225 स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग रेट लग जाएगा इसका। अच्छा, ओके, तो अच्छा इसमें ये मेरे पास अभी शिव फैमिली है, हाँ? आप इसमें राधा कृष्ण में भी देख सकते हो, मैंने डिस्प्ले कर रखा है राधा कृष्ण, चलिए राधा कृष्ण के पास भी चलते हैं, तो इसमें आप साईं साईं भगवान हो गए वो भी आप, हाँ, और मैंने यहाँ पे देखा था कि गुरुजी भी हैं, तो टाइल पे आप इस तरह की इमेजेस भी बनवा सकते हो, बहुत प्यारी गाइड इसमें लुक आ जाती है, आप चाहे तो लगवा सकते हैं। और ये देखो सर, ये रेडियम है, कौन सा, गणेश जी, ये रेडियम बर्तन है, आप लाइट ऑफ करने के बाद ना ये ग्रीन कलर का पूरा ब्राइट हो जाता है। अच्छा, अरे वाह, नई टेक्नोलॉजी, हाँ मैं यहाँ से देख रहा हूँ, एक लेयर इस पे चढ़ाई गई है जो कि शायद रेडियम ही है ना वो, लाइट ऑफ करने के बाद ना पूरा ग्रीन है। तो अब आप यहाँ पे जो देख रहे हैं इफेक्ट, जो देख रहे हैं ग्रीन, वो रेडियम लाइट्स हैं जो कि अब यहाँ पर ग्लो कर रही हैं, क्योंकि हमने शटर को अभी नीचे किया है, लाइट अभी शोरूम की बंद करी है, इस वजह से दिखाई दे रहा है। अब यार देखो, तो अभी ये बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, लेकिन जैसे ही लाइट बंद होगी तो आपको ये ग्लो करते हुए भी नजर आएंगे, तो भाई ये तो चमत्कारी गणेश जी भाई है ना। तो क्या हम इसमें अलग भी पैटर्न बनवा सकते हैं अपने को? रेडियम आप कुछ भी बनवा सकते हो, रेडियम कुछ भी बनवा सकते हैं, गूगल से आप जो भी आपको पसंद आ रहा है, वही पिक्चर पसंद आ रही है, नेचुरल पसंद आ रहा है, नेचुरल इमेजेस हैं, वो आप ये लगवा सकते हो रेडियम, ओके। तो यार ये बहुत अच्छा पैटर्न आपने दिखाया, पिक्चर आपने मुझे दिया, फैमिली पिक्चर के ऊपर आप रेडियम लगवा सकते हो, जैसे ये पोस्टर है ये विदाउट रेडियम है, अगर आपको चाहिए रेडियम में चाहिए तो रेडियम में हम बना के दे देंगे आपको, ठीक है। हाँ, जैसे यहाँ पर ये जो भी लाइन्स हैं इसमें आप रेडियम लगाए हैं, आप इसमें रेडियम भी लगवा सकते हो, जैसे ये पिक्चर है, ये स्टोन लगा के दिया है, ये निकलते नहीं है बाहर, ओके, और इसी में आप रेडियम बनवा सकते हो, तो ये स्टोन ऊपर से लगाए गए हैं लेकिन ये निकलेंगे नहीं, निकलेंगे, पेस्टिंग बहुत खास होती है, बहुत अच्छी होती है, इसी के अंदर आप रेडियम चाहिए तो रेडियम मिल जाएगा, स्पार्कल वाला चाहिए तो स्पार्कल वाले मिल जाएंगे, जो चीज आपको जिस तरीके से कस्टमाइज करनी है हम आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर देंगे, आप गूगल से गूगल पर विजिट करो, जो भी आपको पसंद है वो चीज हम तो देंगे। बहुत ही शानदार, मतलब मैं अगर अपने खुद की बात करूं तो मुझे बहुत सारी चीजें इसमें यहाँ पे देखने के मिल रही हैं, अब जैसे शिव जी हैं या कृष्ण भगवान आपने देखे, साथ में यहाँ पर आप ये किचन में इस तरह की टाइल्स आपने ज्यादातर देखी होगी, तो बाकी सारा प्लेन लगता है, प्लेन आपने चिमनी के नीचे लगाना है, स्टोव के पीछे लगाना है, किसी के पर्पस से, ओके, तो ये बेसिकली किचन में इस तरह की जो है ये सब चीजें लगती हैं। और अगर इस वॉल को देखूं मैं तो भैया यहाँ पे तो हमने बहुत सारे पैटर्न लगाए हुए हैं, ये पैटर्न हमारे 12-18 के अंदर है, ये हाई डिप बोलते हैं इसे, हाई डिप बोलते हैं, 12-18 पैटर्न है, ये आपका फ्रंट एलिवेशन के लिए हो गया, ये और पार्किंग के लिए हो गया, ओके, और ये टेक्सचर में, हाँ, स्टे के लिए जीने के लिए हो गया, फील भी कर सकते हो आप इसको, बिल्कुल अभी बिल्कुल गाड़ी हुई है हमारी, तो उसके लिए काफी पैटर्न है, न्यू पैटर्न आएगा, जैसे 2 मिनट लगेंगे दिखाने में आपको, वाह,
मतलब आप इनको पूरा फील भी कर सकते हो यार, ये मतलब कलेक्शन आया है हमारे पास, ये नया कलेक्शन आया है। और ये देखिए अभी नए नए आर्टिकल्स अभी और आए हैं, आप ये देख सकते हो काफी अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसका जो प्राइस है वो भी भैया साथ में आप बताते रहो, मैं बता दूंगा। जैसे ये बन बॉल के जैसे ऑफिस में लगाना है आपको बन बॉल, जैसे आप टीवी वाली जैसे एलसीडी लगानी है उसके लिए एक पर्पस के एक बॉल लगा सकते हो आप। ये पैटर्न्स काफी है हमारे पास, आप देखो तो काफी प्यारे यहाँ पे लग रहे हैं, आप खुद देख सकते हो। वैरायटीज की कोई कमी नहीं है और जितना आप सोचोगे उससे ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। ये देख सकते हो आप, ये पूरा स्टोन में है, ये ऐसा लग रहा है कि ये पत्थर से बनाया गया और लगाने की अगर फिनिशिंग सही होगी तो कोई बता नहीं सकता कि टाइल है, ऐसा लगेगा ये टेक्सचर पूरा पत्थर ही है यार। हाँ, जैसे कल किसी भी मिस्त्री नहीं होते तो हम मिस्त्री भी प्रोवाइड करा देते हैं लगाने के लिए। तो भाई ये ध्यान देने वाली चीज है जो अभी राहुल भाई ने बताई है कि अगर आप, क्योंकि अगर आप वेस्ट दिल्ली में रहते हो, विकासपुरी, उत्तम नगर, जनकपुरी साइड में कहीं पे भी रहते हो, तो क्योंकि देखो यही होता ना कि हम जहाँ पे भी जिस भी एरिया में रहते हो तो हम चाहते हैं कि हमारे पास के एरिया से ही हम चीजें लें। बट खैर आप अगर आप दिल्ली में कहीं से भी हो या कहीं बाहर भी आप सप्लाई करते हो? बाहर भी करते हैं, तभी मेरा माल देहरादून गया हुआ है। अच्छा, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में और वेस्ट दिल्ली में, नहीं, इंडिया में अगर आप कहीं भी रहते हो तो वहाँ पर माल जाता है। एनसीआर में तो हम देते हैं, जैसे कि अगर बाहर का कस्टमर आया हुआ, जैसे बिहार का आया हुआ है या फिर इलाहाबाद का आया हुआ है, जैसे अभी देहरादून जाएगा मेरा माल, देहरादून के लिए गाड़ी लोड हो रही है गोडाउन के पीछे, तो देहरादून की हम सप्लाई कर देते हैं। आप जहाँ बोलोगे वहाँ हम सप्लाई करा देते हैं। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन और ये सब के चार्जेस आप वो अलग से होते हैं, वो बता दोगे कस्टमर का। तो भाई बिल्कुल बहुत सारे यहाँ पे पैटर्न्स आप देख रहे हो जो कि पर्सनली मुझे बहुत अलग अलग पसंद आ रहे हैं, और मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर मुझे अब कौन कौन से लगवाने चाहिए, मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ। तो इसीलिए मैंने ना अमित भैया की हेल्प भी ली थी और मैं अमित भैया से भी मिलवा देता हूँ आपको, और अमित भैया आपकी भी हेल्प करेंगे अगर जब आप आते हो, अगर कंफ्यूज होते हो कि भैया आपको कौन सी चीज़ें लगवानी है, कैसे लगवानी है, कौन से एरिया में क्या सूट करेगा, तो ये सब चीज़ों के लिए अमित भैया यहाँ पे हैं। टेंशन फ्री रहो, आपका आधा इंटीरियर काम तो अमित भैया ऐसे ही करवा देंगे। तो अब हमारे साथ हैं यहाँ पर अमित भैया, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल अजीब साहब है। तो ये हैं शॉप के ओनर हर्ष टाइल स्टूडियो, और यहाँ पर आप आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आप कंफ्यूज हैं कि अब आपको कौन सी टाइल पसंद करनी चाहिए किस एरिया के लिए, तो आप टेंशन मत लो, अमित भैया हैं यहाँ पर, अमित भैया आपको बताएंगे कि भाई सजेस्ट कर देंगे कि आपको कैसी टाइल लगवानी चाहिए। आप कुछ हमारे व्यूअर से कहना चाहते हैं? पहले बात नमस्कार, और अगर आप जैसे आते हो कोई भी अपनी बाथरूम की टाइल्स वगैरह परचेज करना चाहो तो आप बेसिंग को चोवे कर सकते हो, क्योंकि आजकल वैराइटीज आप देख ही रहे हो, अच्छी अच्छी वैरायटी है। कई बार हमारे मन में ही रहता है कि भाई कजारिया टाइल्स ज़्यादा बेटर है या सोमानी, क्योंकि ब्रांड तो ब्रांड ही है। ब्रांड्स में क्या है, अगर आप कोई फिल्म स्टार्स की ऐड कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेटर है, अदरवाइज लोकल कंपनी कोई ऐड करेगी तो सेम वही चीज़ आपको क्वांटिटी या कोई भी चीज़ क्वालिटी आपको महंगी मिलेगी। बिल्कुल। दूसरी बात क्या है, बाथरूम के अंदर वैसे बेसिकली क्या है, सेरामिक और विट्रीफाइड टाइल इस समय सबसे टॉप पे चल रही है, और अदरवाइज जो भी आप चीज पसंद करते हो, जैसे आप पसंद करो उसके लिए हम बैठे हैं आपको प्रॉपर वायरिंग गाइड करने के लिए, कौन सा मेटल अच्छा है बाथरूम के लिए और कौन सी चीज फ्लोरिंग के लिए अच्छी है उसके लिए हम बैठे ही है। बिल्कुल। बाकी आप जब भी आ जाओ आ सकते हो, नहीं संकोच होके। हाँ, कोई बोल नहीं। अच्छा अमित भैया, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, सपोज अगर जैसे कोई भी हमारे जो कस्टमर हैं तो वो अगर यहाँ से माल लेके जाते हैं, सपोज कुछ चीजें कुछ पेटी बच गई उनके पास, अब तो उस पे क्या होगा? मतलब नॉर्मल है, देखो कई बार क्या होता है पेटी तो बस्ती कमी है, वैसे ज्यादातर क्या होता है कई बार मिस्त्री जैसे टाइल बताता है, मिस्त्री आपका 10 की 5 पेटी या 5 की 20 पेटी एक्स्ट्रा बताता है। हाँ। तो उसमें क्या है, देखो ज्यादा माल बच जाए तो इतना वापस नहीं होता, एक दो बॉक्स बच जाए तो वापस हो जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात क्या होती है, कई बार हमारी अब मिस्त्री आजकल आपको पता ही है कि मिस्त्री ना टाइल्स आपके लिए सगा है ना हमारे लिए सगा है, दोनों के लिए ऐसे रहता है। टाइल अगर गीली टाइल होगी तो क्या करें, वापस करवाए, और वापस चक्कर में हम भी गीली टाइल वापस लेते नहीं है, बॉक्स बंद अगर होगा तो वापस हो जाता है, गीली टाइल वापस ले नहीं लेते क्योंकि वो एक बार गीली होने का दोबारा यूज नहीं होती है। ठीक है। हाँ, ये तो भाई कॉमन सी चीज है, अगर आपने इसको यूज कर लिया, अगर आपने उसको पानी में डाल दिया तो वो फिर आप उसको रिप्लेस नहीं करवा सकते हो, आप उसको यूज मानो कि वो यूज हो चुकी है तो। हाँ, लेकिन अगर आपके पास अगर स्टॉक में बच गया है, कोई डब्बे बच गए हैं तो वो कुछ क्वांटिटीज में होंगे तो आप भैया से बात करके वापस कर सकते हो, उसके पैसे वापस हो जाएंगे भैया आपके, तो यहाँ पर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक दो छोटी छोटी चीजें और बता दो, सपोज टाइल्स होते हैं काफी टाइम अगर हो जाता है लगाए हुए, 3-4 साल हो चुके हैं, और कई बार ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पर ठीक से पोंछा नहीं लग पाता है, क्लीन के लिए केमिकल्स आते हैं, केमिकल्स आते हैं, टाइल क्लीनर आते हैं, आप उसको यूज करो, नहीं तो वैसे आपको एक बेसिकली तरीका मैं बता रहा हूँ जो केमिकल से ज्यादा बेटर रहता है,
हल्का सा गर्म पानी करो, नमक डालो या कोई भी जैसे कपड़े धोने का सोडा होता है उससे आप टैल क्लीन करो, इजीली क्लीन। वाह भाई वाह, तो ये भी एक नई चीज आज हमें मेरे को खुद को भी आज पता लगी, आसानी से हो जाती है। तो अपने टाइल को इजीली क्लीन कर सकते हो, वैसे से क्लीनर भी आते हैं, और लेकिन अगर आप घर में करना चाहते हो आजकल क्या होता है, मैं कहता हूँ एक महीने में टाइल आप वॉश कर दो ज्यादा बेटर है, चाहे बाथरूम की हो या फ्लोर की हो, उससे टाइल आपकी क्या होता है क्लीनिंग रहती है, चमकती रहती है, लाइफ भी ज्यादा अच्छी रहती है, बरकरार रहती है। एक बार अपनी शॉप का एड्रेस आप खुद बता दो, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरी टाइल्स जो हर्ष स्टाइल गैलरी के, हर्ष स्टाइल स्टूडियो के नाम से है। दूसरी बात, मेरी जो टाइल्स की शॉप का जो एड्रेस है मिलाप नगर में अपनी है, नियर बाय डेसू ऑफिस, पिलर नंबर 655 और शॉप का नंबर एड्रेस है A18। बाकी अगर आप उत्तम नगर, जनकपुरी, विकासपुरी किसी भी एरिया में अगर रहते हो जो कि पास के इलाके हैं यहाँ के, तो आप कभी भी आ जाओ, कोई भी सजेशन लेना हो अमित भैया से आप ले सकते हो। और मैं खुद जैसे मैंने अपने घर में काम करा तो हमें भैया ने बहुत हेल्प करी है उसमें कि किस तरह की टाइल लगवानी है। मैं बिल्कुल, मैं घर की भी वीडियो बहुत जल्दी डालने वाला हूँ, और मैंने अपने व्यूज को बताया भी कि मुझे फैमिली में ही नहीं मतलब बाहर से भी अच्छा उसका रिस्पांस मिल रहा है कि जो भी अभी पड़ोसी आ रहे हैं देख रहे हैं तो काफी अच्छी तारीफ कर रहे हैं उस चीज की। देखो चीज आपके अपने सामने जैसे अभी डीप पंच आप लगा रहे हो, घर की गेटअप तो अपने आप अच्छी होती होती है। हाँ, थोड़ा और ग्रेसफुल हमें लगता है यहाँ कुछ लगाया आपने, और बाकी आप जैसे आप जी चाहे अपना वैसा बाथरूम बनवाओ उसके लिए हम बैठे, जैसे आप पैटर्न बोलोगे हम वैसे पैटर्न आपको बना के दे देंगे। अलग से कुछ पैटर्न हमारी तरफ से बोलोगे तो हमारी तरफ से भी बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न हैं जो बना के आपको दे सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपका मिस्त्री मेहनत करने के लिए राजी होना चाहिए बस। और अगर किसी के पास मिस्त्री है तो वो भी यहाँ से अरेंज हो जाएगा, जैसा मैं राहुल भाई ने बोला। पर मिस्त्री को हम प्रोवाइड करवाना ना के बराबर समझते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मिस्त्री ना आपका सगा ना मेरा सगा ही बात है, तो आप कोशिश करो कि हम मिस्त्री दे और मिस्त्री हमारा ही मिस्त्री आपको गलत राय दे तो ज्यादा बेटर अच्छा लगेगा, नहीं तो दुकान की रेपुटेशन खराब होती है। ये बात सही है। और यहाँ पर आप आओगे अमित भैया का नेचर है, सबसे पहले बता दूं कि यार इतना अच्छा है कि एक मतलब आपको ऐसा कोई शॉप वाली फीलिंग नहीं आएगी। और नहीं सही में भैया का नेचर बहुत अच्छा है, एक फैमिली वाली बात हो गई है यार, आप ये समझ सकते हो, तो नेचर बहुत अच्छा है उसी के हिसाब से। और इन्होंने ना मुझको कभी ये नहीं बोला कि आप हाँ ये वाली टाइल ले लो वैसे ले लो, नहीं मतलब जो जरूरत थी भैया ने उतना ही मेरे को सजेस्ट भी किया और वो मेरे को काम भी आया, बहुत सही रहा। तो भाई अगर आप भी आना चाहते हो आप बिल्कुल आओ, टाइलें इतनी है कि एक वीडियो में तो कवर नहीं हो सकती हैं, बस मैंने व्यूज को बोला है, तो उसके लिए हम एक दिन फिर से आएंगे, भैया का जो भी जितना भी स्टॉक है हम सब देखेंगे दोबारा एक बारी, जो इससे अलग होगा आप बिल्कुल है ना वो भी दिखाएंगे, और हम कभी गोडाउन पे भी विजिट करेंगे और दिखाएंगे कि भैया के पास और कौन कौन सी पैटर्न है। प्राइसिंग का एक बारी मैं और जाना चाहूंगा, कितने से स्टार्टर कहाँ तक चली जाती है? नियर अबाउट प्राइस का ये रहता है कि आप जैसा चीज चाहे वैसा प्राइस है। अब आप सस्ते सस्ता देखना चाहो सस्ते सस्ता है 190 स्टार्टिंग है, 200 है, 220 है, 250 है, तो प्राइस के अंदर डिजाइन के अकॉर्डिंग प्राइस होते हैं। आप प्राइस जैसा देख रहे हो, मान के चलो मैं मेटल आप लेके चल रहा हूँ सस्ते वाला, तो 190 रेंज में लोगे तो मेटल उतना ज्यादा ही क्वालिटी का लो बजट का होगा, ठीक है। आप नॉर्मली क्या होता है आजकल पार्टी को टाइल्स का ये रहता है कि भैया मेरी टाइल का कलर फेड नहीं होना चाहिए, एसिड प्रूफ होनी चाहिए, तो उसके लिए क्वालिटी आपको थोड़ा बेटर परचेज करनी पड़ेगी, जो कि आपके 220 तक की रेंज में आती है। 220 तक की रेंज आती है, 190 वाली रेंज में फिर वही है आपको 110 का लोड, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है उसमें बिल्कुल। तो भाई बजट भी मैं ये बोलूंगा बहुत ज्यादा महंगा नहीं है अगर आप आते हो तो, और नेगोशिएबल है ना? हाँ नेगोशिएबल है। हाँ तो आप आओ, कोई वो नहीं है। हाँ बाकी जितना होगा जो बजट के अकॉर्डिंग होगा वो बना के भेजेंगे। कोई भी टाइल अगर आपको वीडियो में देख करके पसंद आती है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भैया को व्हाट्सएप कर सकते हो और उसकी सारी डिटेल्स आप भैया से ले सकते हो। तो अगर आपको भी टाइलें पसंद आई हैं तो आपको क्या करना, आपको पता है वीडियो को लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो, और अगर टाइलें मंगवानी है तो अमित भैया से आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और अजीब सा की कोई भी वीडियो ना छोड़े, बहुत सारी काम की वीडियोज आने वाली, नाम है अजीब सा लेकिन सारी काम की वीडियोज ही आपको इसमें मिलने वाली है।